रुको रुको यहीं रुको, चढ़ जा। सुबह के 7 बज गए हैं, व्लॉग बना रहा है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल रेव व्लॉग। फिर से आज हमारा तीसरा दिन है और अभी हमें फ्रेश होना है, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उसके बाद फिर हम चलेंगे क्लाउड व्यू देखने, देन इवनिंग में देखेंगे मॉल रोड, और उसके बीच में जितना भी कवर कर सकूँगा करूँगा, बट अभी फिलहाल के लिए फ्रेश होना पड़ेगा। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं इस टाइम और अपनी लोकेशन के लिए निकल रहे हैं, बट उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये भी रेडी हो चुका है, और भी रेडी हो गया। इसको बड़ा टाइम लगता है, बहुत सोता है यार ये सबसे ज़्यादा यही सोता है यहाँ पे। लगा लो जितना ये सोया ना, इतना मैं नहीं सोया। ये घर समझ के आया हुआ है यहाँ पे, बस कहीं पर ट्रैवलिंग चल रही है हमारी यहाँ पे। चलो भाई को लेके चलो ट्रिप पे आगे। चला आ जा, मैं गाड़ी पे वेट कर रहा हूँ। ओहो मौसम तो देखो यार, बहुत बढ़िया हो गए देखो। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can never douse, not what I'm about, have your f***ing clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f*** with me, I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. मेरे घर से तो अभी पूछा था, तो 65 से हूँ भैया। 65 से यहीं पर हो बस। फिर आज कहाँ किराए देते हो मैं जाने के लिए? हैं? कहाँ कहाँ जाएगा? बात तो इतना ही हो पाएगा आपका, जितना आपका प्रोग्राम है। क्लाउड ही नहीं हो पाएगा, मॉल रोड हो जाएगा, अब कंपनी बाग हो जाएगा। इतना भी हो जाए तो बहुत गनीमत समझो आप। मौसम क्या है, सारी बात सारी बात मौसम की है, क्योंकि मौसम ऐसा है खराब हो रहा है अभी, धुंध धुंध हो गई सारी, अभी पता ना ब्रो बारिश आ जाए क्या आ जाए। अच्छा अभी जाओ आप, ठीक है आराम से जाना है, ठीक है चल बाय अंकल। तो बड़े अंकल मिल गए हमें, ये एक्चुअल में हमारे होटल के लैंडलॉर्ड है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था इन्हीं के होटल में ठहरा था। एक तो रीजनेबल प्राइस है और ऊपर से ऐसी पोजीशन पे है जहाँ से आपका मसूरी मुश्किल से 5 से 10 मिनट पड़ेगा डिस्टेंस, अगर आपके पास गाड़ी है। क्योंकि आप अगर मसूरी में होटल लेते हो और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आप गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं, वहाँ पर बड़ी बड़ी जगह पर आपको होटल मिलेगा। यहाँ पर अंकल सेट करवा देते हैं गाड़ी, कहीं भी लगा दो। यहाँ तो अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा है तो आप बाहर होटल ले लो, हाँ हो सकता है हो जाएगा आराम से। ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि वहाँ पे होटल ही नहीं मिलेगा, पार्किंग वाला मिल जाएगा।
बट मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली जब आती है और अपनी गाड़ी लेकर आती है तो हर चीज़ देख के चलना पड़ता है कि गाड़ी भी ख़राब हो सकती है यार, रुकती मेरी खुद की गाड़ी रुकी है। मैं लास्ट टाइम एक और बार गया था, मेरी गाड़ी 2-3 बार हिट हुई थी क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं यार, छोटे सा नैरो सा रोड है, कहाँ अगला बंदा निकालेगा कहाँ मैं निकालूंगा, तो लग जाती है गाड़ी। अपने से दूसरे से भी गलती हो ही सकती है। तो इससे बढ़िया यही है, आप अपने मसूरी से थोड़ा सा पहले रूम ले लो, वहाँ से आप गाड़ी से ऊपर आओ, अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाओ और जहाँ घूमना है वहाँ घूमो। तो यहाँ पे मॉल रोड कितनी दूर है? मॉल रोड आगे या 5 मिनट, हमारे होटल से मुश्किल से गाड़ी से 5 मिनट का डिस्टेंस है बस। सुबह का खाना तो वहीं पे ही खाते हैं? हाँ वहीं, अब गाड़ी वहाँ पार्क करेंगे ठीक है, फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे चलेंगे क्लाउड इन पे। क्लाउड इन? हाँ पहले क्लाउड इन चलेंगे। जब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रैकिंग है क्या? कोई ट्रैकिंग है पहले, क्योंकि मौसम अभी ना खराब होने का वाला है, मैं चाहता हूँ कि पहले ना ये निपटा ले, शूट भी हो जाए, कैमरा निकाल नहीं पाएंगे बारिश में, घूम भी लिए तो कुछ भी नहीं हो पाएगा अभी तो। चलो फिर भी मौसम ठीक है, धूप आ गई है और धुंध तो है ही है, और ऊपर और धुंध मिलेगी। ये देखो रास्ता तो टूटा हुआ है, ये सारी जगह लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे, तो छोटी मोटी लगी रहेगी। बट यार अगर जो ट्रैवलर होते हैं ना वो लैंडस्लाइड से रुकते नहीं है, वो तो फिर भी जाकर घूमना होता है तो वो घूमेंगे, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी लगा के क्रॉस करके कैब ले जाए उन्हें। वो देखिए ना धमाल मूवी कि अब हमारी स्पीड 80 की होगी और अब इस इतने में कूदेगी, तो वैसा सीन होता है। टोटलिंग करनी पड़ेगी भैया। हाँ ले भाई ये तारा एरिया दिख गया, मसूरी आ गया, बस अभी तो निकले थे। हाँ तो मैंने कहा 5 मिनट का डिस्टेंस है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा वहाँ मसूरी में फंसने से बढ़िया है आप नीचे से आ रहे हो आराम से, 5 मिनट का डिस्टेंस है तो इतनी कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई। और ये देख व्यू देख यहाँ का, ग्रीनरी देख, मेन तो ग्रीनरी है, जो एटमोसफेयर यहाँ का है वहाँ पर नहीं मिलेगा। अभी मुझे हॉर्न मारे जा रहा है भाई, मेरे आगे गाड़ी है, मैं कहाँ से निकाल दूंगा। ये भाई साहब जल्दी है इनको थोड़ी, जा भाई जा, हम देख ये लगा हुआ है जाम और पार्किंग ये थी, मगर यहाँ पे कोई लगा पाए तो लगा लेना। नहीं मेरे को ऐसा है, मैं इतना घुमा हूँ मसूरी में तो मुझे पता है कहाँ पर हमें ना खाना खाना है, जहाँ पे हमें पार्किंग साथ में मिल जाएगी। अभी तुझे मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जो नया बंदा होता है ना उसको प्रॉब्लम आती है, वो सोचता है यार आगे तो जाम है, मैं यही पार्क लगा देता हूँ, फिर उसको आगे फिर जाना पड़ता है पैदल चल चल के। लेकिन जो बंदा घूमा पहले से होता है ना उसे सारा पता, रास्ते का ना पता होता है कि कहाँ से कहाँ का जाना है। अब ये देखो बेवकूफ, ये गाड़ी पार्क कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है ये इडियट। तो फाइनली हम मसूरी में आ गए हैं, ये मसूरी का मॉल रोड है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं यार, इतना मसूरी लाइब्रेरी वगैरह है, लाइब्रेरी वगैरह मैं गया नहीं हूँ लाइब्रेरी में, ये सारे राइटर हैं, राइटर भी आ रहे हैं देखो यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने तक की जगह नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि गाड़ी यहाँ खड़ी कर लोगे तो यहाँ पे पहली बार तो फाइन लग जाता है। काफ़ी जगह तो नो पार्किंग है सर, जगह पार्किंग में ही खड़ा करना पड़ेगा आपको अपना व्हीकल, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। ये देखो जाने की जगह दे दो भाई साहब, दे दो यार जगह दे दो, काम 2 मिनट रुक नहीं सकते। और चांदनी चौक की गलियां लग रही है, फटक गया थोड़ा, फंस गए भैया जी।
देखो ये पार्किंग है यहाँ से, देखिए ये पार्किंग दिख जा रही है ना पार्किंग ऊपर को, ये है मसूरी की पार्किंग। कभी भी आओ तो यहाँ पार्किंग लगा लेना। टैक्सी वगैरह सारी यहाँ पे मिल जाती है पार्किंग के पास। रेंट करके घूम रहे हैं पर हेलमेट भी लगाते हैं। ड्राइवर के लिए ही है क्या बस? ऐसे ही दोनों साथ में है शायद, लग तो नहीं रहा यार ये दोनों साथ में है। ठीक है आ रहा हाँ तलो तले तो दोस्तों जब भी गाड़ी आप पार्क करो तो मेरी एडवाइस ये है आपसे कि गाड़ी को गियर पे ही छोड़ना, हैंड ब्रेक तो लगा ही देना बट स्टिल। चलो भाई हाँ फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। ठीक है और गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ पे, सो लेट्स गो। मुझे यहाँ का थोड़ा बहुत नहीं मतलब पूरा ही पता, बहुत मैंने मसूरी घुमा हुआ हूँ बट मैंने कभी कवर नहीं करा। लेकिन अब मैं कवर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कभी खाना खाने के लिए आना हो तो मैं आपको बता दूँ ये होटल रामानंद रेजेंसी का फूड बहुत बढ़िया है। ये रहा आपको पार्किंग भी मिल जाएगी, यहाँ पे आप खा सकते हो। खाना खाना ठीक है देखो मिले अपने से भी कहाँ यार, अपने से पता सिर्फ सेल्फी बढ़िया आती है, अदर में सेल्फी सबकी बढ़िया आती है। सेल्फी तो ले सकता है क्या लेगा? नहीं वो तो लेने होते हैं क्या कहते हैं स्टैंड लगा के, वो भी नहीं होती। कहाँ लिए मैंने? हाँ तो वो शो कोई वीडियो, वो तो वीडियो बनाई थी, वो कोई फोटो थोड़ी ना क्लिक करी थी। वो तो मैंने देखा यार ये दोनों तो पीछे रह गए, वो मैंने देखा ये अकेले अकेले मजे ले रहे पीछे है। और मुझे अकेला छोड़ दिया, मैं छोड़ के क्या? अच्छा देखो A few moments later, देखो वाटरफॉल पे जा रहे थे हम, ये आगे आगे जा रहे हैं ब्लॉगिंग करते करते निकल गए, आगे जाके आए दो रास्ते, हम तीन बंदे यहीं पे खड़े रहेंगे, वापस आएंगे हमें लेने। अब ये ऊपर गए आप, हम नीचे गए हमें पता ही नहीं, 15 मिनट आधा घंटा बैठे पड़े। आओगे आओगे आओगे, हम नीचे गए वापस,
वापस गए, वो रास्ता ख़त्म, ऊपर चढ़ना था वापस, आइडिया नहीं लगा कि रास्ता ख़त्म लगा रहा, हम वापस पीछे आए। और एक और भाई आ रहे थे हमारे, उनसे पूछा हमने कहाँ जाए, क्या हमारा जो था टीम लीडर वो तो भाग गया हमें छोड़ के व्लॉगिंग करते करते। फिर हम नीचे आए वापस, उस रास्ते पर वापस गए, फिर भैया दिखे पानी में कैमरा लेके नहा रहे थे। तो फिर हम रुके गए, फिर तो हमने देख लिया वहाँ पर अपना नहा रहे हम क्या, तो हमने आधा घंटा जब खड़े हुए नल्ले वहाँ पे, हम क्या करें, हम सोच रहे हैं पता चले हम नीचे चले गए, भैया ऊपर से आ रहे हैं वापस गाड़ी में चले गए, हम ऊपर चले गए तो आप नीचे से चले जाओ। बंदे बंदे का फर्क होता है ना भैया, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, पैसे तो वहाँ पे भी नहीं मिल रहे कह सकते तेरी गंदी शक्ल बनाई है ना हमने हंसते हंसते, थोड़ी ना आएगी ये मेरी शैतानी ऐसी थी, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, खाने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही खाना हमारा आ जाएगा तो, वैसे तो आपको पता ही है नॉर्मल यहाँ पे पराठे वगैरह मिलते हैं और दही ऑर्डर किया हमने साथ में। बाकी देखो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, लंच के लिए वही यार, अगर कभी आप पहाड़ों पर आते हो तो नॉर्मली क्या खाते हैं लोग, मैगी खाते हैं और क्या खाते हैं, तो हम क्लाउड व्यू पॉइंट पे जाके वहाँ पे एक स्टॉल है मैगी का, वहाँ बढ़िया क्लासिक मैगी मिलती है वो खाएंगे वहाँ पे। तब तक के लिए